मैसेज था करने वाले जो फैन है वो कंगले थे। कोई गिफ्ट नहीं, कोई चज दा बंदा नहीं, कोई चज दा फैन नहीं, यकीन करें कि टूटे फ्रेम ही नजर आ रहे ने, टूटे फ्रेम। हाँ। ज्यादा दोस्ती की ऑफर किसको हो रही है? हम दोनों को ही हो रही है, इको जे खाच मिल रहे ने सानू, मतलब जाहिर सी बात है गिव एंड टेकन तो इसी तरह ही है। तो होवे बंदा ते बंदे दा पुत्र होवे, नहीं ते ना होवे। और मेरे मेकअप का खर्चा उठाए। हाँ, खर्चा मेरे कपड़ों का खर्चा उठाए, जाहिर सी बात है अब हमारी नीड पूरी करें हम आप ही करेंगे। मैं एक बात जानती हूँ, हर बंदे की सोच गंदी है। डीपली ठरकपन इंतहाई है गए थे, ठीक है। मैं भी क्या, मैंने भूख लगी है, जिन्हें मैंने ठरक जाना नहीं, पैसे गणगे लो जान कुछ खा लेना। तुझा ठरकी आया, मैं कहा चाय बच्चा, उस कैंटीन तो चाय भी आ गई मेरे लिए। ऐसे ऐ चीज का बहुत मजा आता है। अल्लाह दा ना आ जाए, सही मैसेज करो। अगर किसी के साथ चलना है तो तरीके से चले, नहीं चलना तो ना चले। पीसी शिशी का नाम लिया जी, पीसी शिशी का नाम लेता सीखा तो कल्ला जा, तू कल्ला जा, उठे सो मर खा जो मर्जी खा, रहे तेनों सप लड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त नए उभरती अदाकाराएं नीलम और परी, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सोचकर वो इस फील्ड में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सोचना क्या था, मतलब शौक था आर्टिस्ट बनने का एक्चुअली, तो टिकटॉक वगैरह यूट्यूब पे भी, तो सोचा कि रियल दुनिया में भी आए, तो जिस वजह से हमने शोबिज ज्वाइन किया है। अच्छा परी, यहाँ पे शोबिज में आने के लिए तो बहुत सी मुश्किलात शुरू शुरू में होती हैं, डांस सीखने में और इन्वेस्टमेंट में, तो उसका कैसे आप लोग करते हैं बंदोबस्त? वो हम ऐसे करते हैं कि मतलब अल्लाह है तो जाहिर सी बात है फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती और हो जाता है, बस मामला कुछ ऐसे ही हैं। कैसे हो जाता है? आप देखें, जब आपने कोरियोग्राफर के पास जाना है, उसने तो कहना जी मैंने तो पैसे लेने, उसने तो नहीं कहना जी कि मैं आपको फ्री में करवा दूंगा। हमारे जो है पेरेंट्स ही जाहिर करते हैं। हाँ। और हम अपने पेरेंट्स की ही परमिशन से हमने ये फील्ड ज्वाइन की है। और मुश्किल क्या यहाँ, मैं एक बात जानती हूँ कि इंसान की जो सोच है ना वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ। और इस फील्ड में आने के बाद पता लगा है कि इन लोगों से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं। इन लोगों में एहसास भी मैंने देखा है, इन सब में मैंने इंसानियत भी देखी है। अक्सर मैंने लोगों की बातें सुनी थी कि फील्ड के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों की सोच गंदी है जो गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं ऐसे लोगों में। इन लोगों में आके देखें, बैठ के देखें, साथ खा के देखें, आपको पता चलेगा कि इनमें एहसास और इंसानियत है। अच्छा, ये कितना ड्रामा है आपका? ये हमारा खैर से आठवां स्टार्ट होने वाला है, आज हम रिहर्सल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा नया शुरू होगा। किसको देख के आपने कहा कि हमने थिएटर में आना है? हमने देख के कहा, आशा चौधरी मैम हैं, उनको देख के हमने कहा, क्योंकि वो फेवरेट हैं और वैसे भी हमारे जानने वाले हैं, तो उन्हें देख के जो है हमें भी शौक हुआ कि जी हम भी ज्वाइन करें और ये फील्ड बहुत अच्छी है। सिर्फ स्टेज तक रहेंगे या फिल्म और टीवी की तरफ भी जाएंगे? इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हम ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाएंगे, और इंशाल्लाह आप सब हम सपोर्ट भी करें, तो इसी तरह ही है। फिर डांस वगैरह किससे सीख रही हैं? हम, वो हमारे टीचर हैं जफर सर, हम उनसे सीख रहे हैं। तो ड्रेसिंग और डांस और उसके बाद जो आपके मेकअप के अखराजात, ये आप नए नए आए हैं तो ये वालदैन अफोर्ड कर सकते हैं? वो तो आपको उन्होंने तो भेजा होगा कि आपने पैसा कमाना है। ये बिल्कुल ही सही बात है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, बट ये है कि अल्लाह हर सब ठीक कर देता है, और मतलब कुछ फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, उससे बड़ी सपोर्ट तो अल्लाह की है, उसके बाद फैमिली है, तो बस इसी तरह नहीं है। अच्छा, जैसे नई आर्टिस्टें आती हैं इस फील्ड में, उनको दोस्ती की भी ऑफर्स होती हैं मुख्तलिफ देखने वालों की तरफ से और कुछ साथी फनकारों की तरफ से भी, आपको भी कभी दोस्ती का हुई ऑफर? हाँ, मैसेजेस ज़रूर आए थे ऐसे, बट मतलब बहुत अजीब से थे, जिस वजह से हमें उन्हें ब्लॉक करना पड़ा।
अजीब से क्या, थोड़ा सा खुल के बता। मतलब ये कि लोग गलत वर्डिंग कर रहे थे, अब क्या मतलब क्या रामों में आते हैं तो क्या अब इतनी इंसान ओपन है कि आप लोग इतना हो गए हैं कि कुछ लिहाज नहीं किसी का भी। तो परी अब ये बताएं, कभी इस फील्ड में कभी आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया? ऐसा कुछ भी नहीं था, सुनने में आया था कि बहुत गिफ्ट और देखा भी था मिलते हैं लोगों को, बट मुझे इतनी सी भी चीज नहीं किसी से मिली। उसकी वजह, उसकी वजह मुझे नहीं पता। मैसेज करने वाले जो फैन है वो कंगले थे जिससे हमें ब्लॉक करना पड़ा उनको, कि मेरा दिल भी खराब हुआ उसके मैसेज देख के। ज्यादा दोस्ती की ऑफर किसको हो रही है? हम दोनों को ही हो रही है, कोई मतलब ज्यादा कम नहीं, इको जे खाच मिल रहे ने सानू। हाँ जी। अच्छा, आपकी दोस्ती के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो आपका दोस्त हो वो किस तरह का होना चाहिए? मैं खूबसूरती भी नहीं मिटती या इस तरह, दिल का अच्छा होना चाहिए इंसान, जो अगले की भी केयर करे और समझे, और मतलब जाहिर सी बात है गिव एंड टेकन, तो इसी तरह ही है। नहीं मैं जिस तरह का इंसान चाह रही हूँ ना, पहली बात है कि होवे बंदा ते बंदे दा पुत्र होवे, नहीं ते ना होवे। मैं इस तरह का बंदा चाह रही हूँ, ठीक है, जो बंदा हो। हाँ दोस्त, आपको पता दोस्ती आजकल आम है, हर एक का अपना अपना एक लेवल होता है, ठीक तरीके से चले बस, और मेरे मेकअप का खर्चा उठाए। हाँ, मेरे कपड़ों का खर्चा उठाए, ठीक है, और ये जो सारे देख रहे हैं सारे जो हैं मेरा खर्चा चुको ते मेरा मेकअप खर्चा भी चुको, मेकअप बड़ा एक्सपेंसिव है आजकल। अभी आपने लफ्ज बोला है गिव एंड टेक, इसको डीपली जानते कि गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है? मैं जानती हूँ मतलब इसका मतलब, क्योंकि दुनिया जाहिर सी बात है आप भी इसी दुनिया में हैं हम भी, तो समझते हैं इस चीज़ को, इसी जाहिर सी बात है हमारी नीड पूरी करें हम आपकी करेंगे, तो उनकी नीड कोई गलत भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इंसान नेगेटिव ही सोचे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आजकल मैं एक बात जानती हूँ, हर बंदे की सोच गंदी है। गंदी नहीं कह सकते, गंदी नहीं कह सकते, अब सर माहौल ही ऐसा हो गया, गंदी नहीं बट नेगेटिव है, गंदी नहीं है पर नेगेटिव है आजकल का माहौल ऐसा है, ठीक है। सीरियस बात है, अगर आपने दोस्ती करनी है किसी से, एक अच्छे तरीके से आप दोस्ती करें। हमें फैंस के कुछ मैसेजेस आए हैं, वो बड़े अजीब तरीके से आए ने, तो वेल हम नए आर्टिस्ट हैं, हमें सपोर्ट करें। हाँ। और अगर हमें मैसेजेस भी करने हैं तो अच्छे मैसेज हाँ। करें, अल्लाह का नाम है। तो थैंक यू सो मच, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं नीलम मेहर हूँ और ये परी मेहर और हम तमाशील में कर रहे हैं ड्रामा। अच्छा, थिएटर में जो साथी फनकार हैं उनकी तरफ से कोई वाकया आया हो, जब आप नए आए हो तो किसी ने आपको बुद्ध बनाया? मैं बताती हूँ, बहुत कुछ डीपली ठरकपन इंतहाइए गए थे, ठीक है। मैं भी क्या, मैंने भूख लगी है जिन्हें मैंने ठरक जाना, नहीं पैसे कहने ये लो जान कुछ खा लेना। मैं सर मैं भी फिर मूंगफली मंगवाई, मकई मंगवाए गरम गरम, सर्दी सी मैं, तुझा ठरकी आया, मैं कहा चाय बच्चा इस कैंटीन तो चाय भी आ गई मेरे लिए, ऐसे ऐ चीज का बहुत मजा आता है। एक ठरकनस का भी एक हमना ही है। तो बस मुझे सच बताऊं तो मेरे दिल को कोई नहीं आज तक लगा, कहने की बात नहीं, पता नहीं मैं भी किसी के दिल को नहीं लगी, तो कुछ कह नहीं सकती मैं किसी के बारे में। जेड़ा मेरे दिल नु नहीं भी लग्या ना, जेड़ा मेरे दिल नु नहीं भी लग्या उन्नू भी मैं कह मैनू चाय पिया, मेरा दिल खा रहा है, मैंने चाय पीनी है, मैंने जानबूझ के कह दिया, क्यों और ठरक झाड़ के गया, तो उन्नू मैं जो देखी जावा अच्छा जा क्यों, मैं कहा वापस आओ मुझे चाय पिलाओ। मतलब आप की एजुकेशन क्या है? हम पढ़े हुए हैं तो हमने मतलब एफए किया हुआ है ना हमने, लेकिन हमें बस इस फील्ड का शौक था, शौक था। हाँ। अपने आप को सिर्फ स्टेज तक रखेंगे या फिल्म की तरफ ही जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, फिल्म्स भी करेंगे। एक पश्तो फिल्म की ऑफर आई है। हाँ। और जो वहाँ के खैर से डायरेक्टर थे, मैंने समझ नहीं सी आ रही के डायरेक्टर कौन है थे, प्रोड्यूसर राइटर समझ से बाहर थी हर चीज, ओदा इतना एटीट्यूड सी, शूज ओदे इतने के कट्टे ना भरे थी, लाते लाते रख के बैठा सी, इतना के जा चामचिड़क टाइप, नाम नहीं मैं उनका लूंगी, नखरा बहुत ज़्यादा था। देखें मैं एक बार जानती हूँ कि जब नए आर्टिस्ट आते हैं आप उनको सपोर्ट करें, उनको नखरा ना दिखाएं, क्यों कि आज के जो हम आर्टिस्ट हैं मेहनत करेंगे हमारा भी एक नाम बनेगा। हाँ। सर हम भी एक लाभ, फिर हम पता है जहन में दिल में बातें बैठ जाती हैं कि एक टाइम पे फलाने बंदे ने मुझे ऐसे हर्ट किया था, ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको एक लेवल पे रखें। इंसान जब अल्लाह की नज़र में हर बंदा एक है, तो इंसान की सोच भी मैं कहती हूँ होनी चाहिए, सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच बड़ी है या छोटी है, सबके लिए एक सोच रखें, सीधी बात है मैं यही कहूँगी।
अल्लाह दा ना आ जाए, सही मैसेज करो, अगर किसी के साथ चलना है तो तरीके से चले, नहीं चलना तो ना चले, बट ऐसे मैसेज ना करें। कैसे ये आपने बताया नहीं कि मैसेज मतलब गलत मैसेज उन्हें क्या जी, मैं बंदा फजूल जे हवा, फालतू जे हवा, मैं इदे गल्ला करना वा, बिना गल करनी है करो। तो हमने कहा फालतू तो तुम फजूल, तुम हमने हम तुमसे बातें करें। कहा क्या था जो आप लोगों ने? उसने ये कहा था मतलब के बता दे पीसी जाएंगी या फाइव स्टार जाएंगी, पीसी का नाम लिया था जी, पीसी शीसी का नाम लेता सी का, तो कल्ला जा, तो कल्ला जा उठे सो मर खा जो मर्जी खा, रहे तेनों सांप लड़े। फोन कैसे आपका लीक हो गया? अभी तो आपको आया हुए इतना अरसा भी नहीं हुआ। नहीं हमारे मन से ज्यादा वैसे हो गया सर, सबके पास है तो, और यहाँ पे आपको पता ही है, खैर से आपको पता ही है यहाँ दे दू देते हैं नंबर वगैरह, इसमें तो मतलब नहीं है इस चीज का ना यहाँ पे। चलिए मैं दोबारा आता हूँ, मैसेज क्या देंगी आखिर में? मैं यही कहूँगी कि अल्लाह सबको खुश रखे, खुश रहें, आप भी खुश रहें, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी कामयाब करे और हमें भी करे। मैं ये कहूँगी जियो और जीने दो, खुश रहें और खुश रहने दें, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। तो यही है कि सबके लिए यही मैसेज है कि कोई मैसेज नहीं है गाल सवारे वाली, मैं जी क्या कोई मैसेज नहीं जी। तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी परी की और नीलम की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।